इधर मंदिर में प्रेम विवाह के बाद अचानक पत्नी अलग हो गई और किसी दूसरे युवक के साथ रहने लगी। मामला रांची के मुरी ओपी क्षेत्र का है। कोकराना गांव निवासी अरविंद्र भानु ने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की है। अरविंद्र का कहना है, 2 जुलाई को बिहार बंगाल बॉर्डर के समीप कुछ लड़के पिटाई किए और पिस्तौल सटा कर जान से मारने की धमकी भी दी। अरविंद्र भानु का कहना है, पत्नी को ANM में दाखिल देकर पढ़ा रहे थे, हॉस्टल में रहती थी, लेकिन एक दिन रात में हॉस्टल से गायब हो गई। जब पति अरविंद भानु गायब होने की वजह जानने का प्रयास किया, तब से पत्नी अपने पति से दूरी बना ली है और किसी दूसरे लड़के के साथ रहकर पैसे की डिमांड करने लगी है। इसी बीच एक बार अरविंद्र भानु के साथ घटना भी हो चुकी है। पत्नी तो साथ छोड़कर चली गई, लेकिन अरविंद्र भानु काफी परेशान है। 40 क्या 40? तो क्लियर बोलो ना, क्लियर बोलो, हमको बात करना है। काहे कहक रही है, नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मां कसम बोल दे रहे हमको नहीं आता इसमें करना है। तुम तो बहुत बार बोली 40 और 50 घर के लिए। क्या 50 40 बताना, 1 करोड़ तो मेरे पास नहीं है, तब तुम हमको 40 और 50 घर के लिए। क्या 40? 40 लाख और 50 घर के लिए। तब शादी करेगी? हाँ, फैमिली को उतना दो। तो जो बोले थे कोर्ट मैरिज करेंगे 9 तारीख को, तो झूठ था सर। हमने कोर्ट में भी, CGM कोर्ट में भी शिकायत किया है इसका। ये है देखिए, उसका प्रमाण है कि मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया। मामला ये है कि मेरी पत्नी जो हम लोगों ने प्रेम विवाह किया था, पहले दोस्ती हुआ था, फिर हम लोग एक दूसरे के साथ साथ जीने मरने का कसम खाए और हम दोनों ने उनके परिजन की उपस्थिति में जयपुर में जाके शादी कर लिया। और शादी करने के बाद हम लोग का जीवन अच्छा तरह से चल रहा था। तो इसी दरमियान क्या हुआ, बीच में उसकी माँ के द्वारा पैसा मांगा गया, जिसमें मेरी पत्नी मुझे पैसा का डिमांड करने लगी। तो पैसा का डिमांड करने लगी तो मैं बोला कि ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कुछ आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ। और मैं उसको हर उसका भरण पोषण सारा चीज़ टोटल पैसा मैं उसको महीना महीना करके सारा चीज़ हम लोग मैं अच्छी तरह से उसका जीवन जीने के लिए सारा पैसा देता था। लेकिन हाँ, बीजेपी में कभी 2 लाख दो, कभी 10 लाख दो, ऐसा बोलती थी, तो वो मैं उसके परिवार को कभी कभी नहीं दे पाता था। और मेरी पत्नी ने मुझसे पैसा लिया, उसका भी मेरे पास साक्ष्य है, जो 8 लाख रुपया उन्होंने उसने लिया था कि मैं अपनी माँ को दे दूँगी और उसके बाद मेरी माँ तुमसे कभी हमको अलग नहीं करेगी, उसका मेरे पास लिखित प्रमाण है। तो पर पैसा देने के बावजूद भी उसकी माँ हमेशा मुझे बीच बीच में कि मेरी पत्नी के द्वारा कि नहीं पैसा मांगो पैसा मांगो, जो कि पूरा मुरीवासी जानते हैं कि इसको पैसा के लिए तंग किया जाता है। और ऐसा होने के बाद सर क्या हुआ, हम लोग का जीवन चल रहा था, उसके बाद बीच में क्या हुआ कि मेरी पत्नी को हमने सारा चीज़ कराया, इंटर कराया बोकारो से, फिर जाके उसके बाद फिर जाके ये बोली कि नहीं मैं नर्स ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तो मैं बोला कि नहीं ठीक है करो। तो उसका हम जाके उसका सारा वहाँ पर मैनेज वनेज किए। और अभी आपकी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी अभी सर एक्चुअली क्या हुआ है कि पिछले 23 अप्रैल को हम उसको पहुँचाने के लिए गए थे, 23 अप्रैल के बाद से वो कोई और लड़का के संपर्क में आ गई है और मुझे तरह तरह का धमकियाँ देती है, गाली देती है, और इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि मतलब कि सेंटर में। आपके साथ और क्या हुआ? सर मेरा साथ तो अभी हमको मुझे बहुत धमकी मिल रहा है कि तुम 90 लाख रुपया दो तब तेरा साथ शादी करेंगे, और 90 लाख तुमको मेरा घर में देना है, मेरा माँ और बाप को देना है, पहले तुम 30 लाख रुपया दो शादी करेंगे। कहाँ शादी करेंगे, बोल के 30 लाख मंगा जा रहा है? मंदिर में तो सर कर लिया है, लेकिन ओवर ये कोर्ट में करेंगे, और 30 लाख रुपया देने के बाद आपको कहीं किसी को बोलना नहीं होगा जी। फिर जाके 60 लाख रुपया उसको पिताजी को देना है, उसके पिताजी को अगर हम 60 लाख रुपया देंगे तब वो शादी करेगी, नहीं तो नहीं करेगी वो। तब तक यहाँ आपके पास रहना चाहिए। हाँ, और वो मेरा जान मरवा देगी, किसी से भी कभी भी कुछ करवा सकती है सर।
और मैं अभी कुछ नहीं करता, मैं 90 लाख रुपया देने के लिए सक्षम नहीं हूँ सर, 90 लाख तो मैं नहीं सकूंगा। लेकिन हाँ, पूरे समाज में सब लोग पूछते रहे कि तुम्हारी पत्नी दूसरा लड़का के साथ घूम रही है, मुझे ये सोच के भी मैं बहुत मानसिक प्रताड़ित हो रहा हूँ, और ऐसा स्थिति में सर वो लोग हमको मरवा देगा या फिर हम खुद ही मर जाएंगे सर, ऐसा में मुझे डर है कि मैं आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाऊंगा।